नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा अपने अनोखे अंदाज की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन हाल फिलहाल की अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से ममता बनर्जी की तस्वीर सामने आ रही है, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके बाद से एक बार फिर से ममता बनर्जी सुर्खियों में बनी हुई है। बता दें कि कभी ममता बनर्जी फुटबॉल को किक मारती नजर आती हैं, तो कभी स्टॉल पे पहुंचकर लोगों को गोलगप्पा खिलाती नजर आती हैं। इसी बीच ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अब ममता बनर्जी स्टॉल पे पहुंची हैं और अब वो मोमो बनाती नजर आ रही हैं। बता दें कि ममता बनर्जी दार्जिलिंग पहुंची हैं और दार्जिलिंग के एक स्टॉल में जाके वो मोमो बनाती नजर आ रही हैं। बता दें ममता बनर्जी दार्जिलिंग में एक महिला के साथ स्टॉल पर बैठकर मोमोज तैयार कर रही हैं। हालांकि ममता के इस स्टंट को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि दार्जिलिंग कभी भी टीएमसी का गढ़ नहीं रहा है। यहां पार्टी का दबदबा कायम करने के लिए एक रणनीति के तहत ममता लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। दरअसल गुरुवार को ममता बनर्जी दार्जिलिंग पहुंची थी। इस दौरान वे अचानक एक स्थानीय मोमोज के स्टॉल पर पहुंच गई और वहां मोमोज बना रही महिला के साथ बैठकर मोमोज बनाने में उसकी मदद करने लगी। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब ममता किसी स्टॉल पर दिखी हैं। हाल ही में वे एक स्टॉल पर लोगों को गोलगप्पे खिलाते नजर आई थी। दार्जिलिंग में ममता का मोमोज बनाना और वहां के लोगों को गोलगप्पे खिलाने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दार्जिलिंग में पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव होने हैं। यहां पिछले कई वर्षों से बीजेपी का दबदबा रहा है। फिलहाल टीएमसी उत्तर बंगाल में पार्टी का दबदबा कायम करने की रणनीति पर काम कर रही है। बंगाल के इस इलाके में लोग मोमोज और गोलगप्पा काफी पसंद करते हैं। ऐसे में ममता मोमोज बनाने के बहाने यहाँ के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। तो देखा आपने कि ममता बनर्जी किस तरीके से दार्जिलिंग के एक स्टॉल पे मोमोज बनाती नजर आ रही हैं। हालांकि ये पहली तस्वीर नहीं है इस तरह की जब ममता बनर्जी को स्टॉल में जाकर मोमोज बनाते देखा गया है। इससे पहले भी वो गोलगप्पा खिलाती नजर आई थी, साथ ही फुटबॉल को किक मारती भी नजर आई थी। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।